Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Inshallah. Aaj hum banane ja rahe hain bahut hi mazedar beef gola kabab. So let's begin with the recipe. यहाँ पर मेरे पास है 2 teaspoon लाल मिर्च powder, 2 teaspoon salt, 2 teaspoon धनिया powder, 2 teaspoon crushed red chili powder यानी कुटी मिर्च, 1 teaspoon यहाँ पर मेरे पास है चाट मसाला, 1 ही teaspoon मेरे पास गरम मसाला powder और 1 quarter teaspoon जायफल and जावित्री cup powder है. फिर यहाँ मेरे पास 1/3 cup of fried onions, 1/3 cup of besan. यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के पपाया पेस्ट, चिली पेस्ट एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट. साथ में मेरे पास यहाँ पे है 1/4 कप दही, प्लेन दही है. इसको मैंने इस तरह से पानी निकाल लिया. कीमा मेरे पास यहाँ पर है 2 pounds. ये है फैट के साथ, तो मेक श्योर कि आप फैट के साथ लें. एंड देन मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्सी में डालूंगी, मगर सारे मसाले इसमें डाल के मिक्स लूंगी. कोयले का इसको धुआं लगाया है, तो इसको ज़्यादा रख सकते हैं, इतना इनफ होता है. ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गरम है. I'll just put a little bit oil and इसके साथ ही मैं इसमें गरम गरम पैन में ये कबाब रखती जाऊंगी. And make sure करना है कि आपने हाई हीट में बनाना है इसको, नहीं तो ये पानी रिलीज करेगा और फिर ये कबाब बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे और इस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे जिस हम चाहते हैं. एंड ओवर क्राउड भी नहीं करना पैन को, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, उससे भी बहुत ज़्यादा स्टीम हो जाती है. Like that. So I still have space and heat achhi hai iski, so I'll drop all of them here. So really good.
ओके यहाँ पर मेरे पास फहीदा पैन या एक सिज़लर है जिसको मैं काफ़ी देर से गर्म कर रही थी. अब हम इसमें सर्व करेंगे कबाब. I hope you give this recipe a try with your friends and family. Thank you for watching. See you next time.